बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से सामने आ रही है। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से कई सारे सामान बरामद किए गए हैं। एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी बात बता रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं मधेपुरा एसपी राजेश कुमार। पहले इस वीडियो क्लिप को आप देखें। मधेपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 26 तारीख को पूरे जिला में विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अभी जो सामने है 7 गिरफ्तारी है, और इसके साथ साथ 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 3 गोली, 1 खोखा और लूटी गई 1 मोटरसाइकिल, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, लूट का 14,100 रुपया, घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल और 1 वैगनार गाड़ी की बरामदगी हुई। यह सारी उपलब्धियां भिन्न भिन्न कांडों में हुई है। दिनांक 20 तारीख को शंकरपुर थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कर्मी से नोनिया टोला के पास में तकरीबन 1,00,000 रुपये की लूट हुई थी। इसी तरह 23 तारीख को एक दूसरे फाइनेंस कर्मी से लगभग 8,000 रुपये की लूट हुई थी। इस घटना में शामिल अभियुक्त में से 1 की गिरफ्तारी लोडेड कट्टा के साथ हुई। साथ में लूटी गई राशि में से 14,100 रुपये की बरामदगी हुई है। अन्य शामिल अभियुक्तों की पहचान हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी घटना एक 24 तारीख को हुई थी, जिसमें 4 लड़कों के द्वारा एक मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। इस घटना में पुलिस को तुरंत जैसे ही सूचना मिला त्वरित कार्रवाई करते हुए उसने चारों लड़कों की गिरफ्तारी की, साथ में लूटे हुए मोटरसाइकिल की भी गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार सिंहेश्वर थाना में विशेष अभियान के तहत एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी का है वो बरामद हुआ और मंतोष कुमार नाम नीतीश कुमार नाम का जो कि बुढ़ावे का रहने वाला एक लड़का को देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ में गिरफ्तार किया गया। 26 तारीख के रात्रि में एक सूचना मिली कि एक लड़का है किसी लड़की को लेकर के वैगनार से भाग रहा है। थानाध्यक्ष जो मुरली मधेपुरा थानाध्यक्ष हैं उनको सूचना पर अविलंब इन्होंने वाहन चेकिंग का कार्यक्रम शुरू किया और वैगनार को पकड़ा गया, और उसमें जो लड़का था जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी हुई। इस तरह बीते दिन जो अभियान चलाया गया उसमें मधेपुरा पुलिस को अच्छी खासी उपलब्धि मिली है, और इसमें जो भी पुलिसकर्मी शामिल हैं सभी को मेरे द्वारा उचित पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, जो लड़की गाड़ी से बरामद हुई थी वो लड़की का क्या है? वो लड़की एक्चुअल में वो प्रेम प्रसंग का मामला था और वो लड़की को लेकर के भाग रहा था, उसके घर वाले सूचना दिए और उस सूचना पर अविलंब कार्रवाई करते हुए लड़का को पकड़ा गया और लड़की भी बरामद है। उस संबंध में एक अलग से कांड दर्ज किया गया है।